बेगूसराय में बढ़ते अपराधी घटना के बीच प्रेम प्रसंग में घर से भागी लड़की के साथ उसके प्रेमी ने अपने दोस्त के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। घटना गुरुवार की रात बखरी थाना क्षेत्र के परिहार ओपी की है। बताया जाता है कि खगड़िया जिले की रहने वाली 18 वर्षीय युवती प्रेम प्रसंग में अपने प्रेमी के साथ घर से भागकर बेगूसराय जिले के परिहार पहुंची थी। जानकारी के मुताबिक युवती अपने प्रेमी के साथ परिहार गांव में थी, तभी उसका प्रेमी संतोष कुमार अपने 5 साथियों के साथ वहां पहुंचा और लड़की से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। 3 युवकों के द्वारा गैंगरेप करने के बाद लड़की वहां से किसी तरह भागकर बाहर आई और रात्रि गश्ती कर रही पुलिस टीम को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसके प्रेमी संतोष कुमार समेत 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घटनास्थल से बिस्तर सहित अन्य साक्ष्यों को भी एकत्रित किया है। एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रेमी सहित 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 6 लोगों पर गैंगरेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। 3 आरोपी की गिरफ्तारी के लिए डीएसपी के नेतृत्व में टीम लगातार छापेमारी कर रही है। युवती प्रेम प्रसंग में अपने प्रेमी संतोष कुमार के साथ भागकर परिहार आई थी, जहां प्रेमी ने अपने दोस्तों के साथ गैंगरेप की साजिश रची और उसके साथ घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पीड़ित का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। मिली थी परिहार ओपी को और पुलिस ने इस पर तुरंत कार्रवाई की है। जो मेन अभियुक्त है, लड़की का जो प्रेमी है, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उसके 2 साथियों को भी अरेस्ट किया है। जांच में ये पता चला है कि एक लड़की है जो कि बेलदौर खगड़िया की रहने वाली है, इसका एक प्रेमी है वो भी बेलदौर खगड़िया का है। दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था, दोनों ने पता ये चला कि शादी कर ली है और उसके बाद ये लड़का अभी हाल में ही इस लड़की के साथ बेगूसराय के परियारा ओपी में आके रहने लगा था, क्योंकि लड़के की सिस्टर यहाँ पे रहती है। और लड़की ने जो बताया है कि उसके पति ने और उसके 5 दोस्तों ने वहाँ पे मिल के उसके साथ गलत काम किया। ये सूचना जैसे ही पुलिस को मिली तो पुलिस ने तुरंत उसका जो प्रेमी है और जो उससे शादी किया है लड़की से, संतोष कुमार, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है। और उसके 2 दोस्त नीतीश कुमार और संजीव कुमार को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तीनों को जेल भेजा जा रहा है। इसमें टोटल 6 लोगों का नाम आया है, तो 3 की गिरफ्तारी हो गई है और 3 की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। लड़की का मेडिकल कराया जा रहा है और इसमें FIR गैंगरेप की धाराओं, सुसंगत धाराओं में पुलिस दर्ज कर रही है। इसमें हस्बैंड का क्या रोल है इसमें? इसमें हस्बैंड का क्या रोल आया है सामने के क्या पैसे? देखिए, लड़की ने ये बताया कि प्रेम प्रसंग था तो उससे लड़की ने शादी की और उसके कहने पे वो यहाँ आके रहने लगी। और ये जो उसका पति है, ये अपने 4 दोस्तों को साथ बुला के और ये गलत काम लड़की के साथ उसने होने दिया। तो इसमें ये प्रथम दृष्टि ये पता चल रहा है कि लड़की का जो पति है उसने बहुत ही गलत काम किया, एक प्रकार का घिनौना अपराध किया उसने। तो उसकी गिरफ्तारी तो हो गई है, उसके 2 साथियों की भी गिरफ्तारी हो गई है और बाकी 3 की भी गिरफ्तारी जल्द हो जाएगी। बाकी अभी जाँच हो रही है, सब पता किया जाएगा। बलिया वाला सर, बलिया में जिस तरह के 2 विसर्जन के दौरान जो घटनाएं हुई थी, वो अब तक क्या मामला सामने निकल करके आया है और अब तक क्या वहाँ का अपडेट है? क्योंकि बलिया में जो सूचना मिली थी, तुरंत पुलिस वहाँ पहुँच गई थी और उसी समय से शांति आ गई थी। और अभी भी बलिया में पूरी तरह से स्थिति सामान्य है। मैं आज खुद भी गया था वहाँ देखने, तो सभी दुकानें खुली हुई हैं और पुलिस उसमें जो FIR करने की प्रक्रिया है वो सब टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर कर रही है और इसमें अनुसंधान चल रहा है। स्थिति अब वहाँ पूरी तरह से नॉर्मल है, लेकिन फिर भी हम लोग वहाँ पर नज़र बनाए हुए हैं। हमारी फोर्स मजिस्ट्रेट वहाँ डिप्यूटेड हैं और सोशल मीडिया पर लगातार हम लोग नज़र रखे हुए हैं। और मैं आपके थ्रू ये कहना चाहूँगा, यदि किसी ने भी अफवाह उड़ाया तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और किसी को भी अगर कोई सूचना कभी देनी है इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई, तो वो हमारे सरकारी नंबर पर दे सकता है। धन्यवाद। क्या संभवता लगता है कि इसमें कितने लोग शामिल है, कितने पर मामला दर्ज हो सकता है? देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें बहुत सारे फुटेज हम लोग को मिले हैं, तो पुलिस उन सभी की गहनता से समीक्षा कर रही है और सारे टेक्निकल एविडेंसेस को गैदर करने के बाद वहाँ जो मजिस्ट्रेट नियुक्त थे उनका बयान रिकॉर्ड हो रहा है, उसके आधार पर FIR होगी और आगे की जो कानूनी कार्रवाई है उसके आधार पर होगी। ठीक है सर।